हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ एल्यूमिनियम, आर रोटेटेड अबाउट देयर डायमीटर्स विद सेम एंगल ऑफ स्पीड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंपेयर फर्स्ट द ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड सेकेंड द करेंट इन द टू लूप्स। जस्टिफाई योर आंसर्स। की कंसेप्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कोई लूप है उसके अंदर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एन टर्न्स हैं, तो जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है ई नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यह दिया है टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं। आइडेंटिकल है इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का ए होगा, आर रोटेटेड अबाउट द डायमीटर विद सेम एंगुलर स्पीड, ओमेगा सेम है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी भी सेम होगी और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होंगे क्योंकि आइडेंटिकल है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो था ये है एल्यूमिनियम के लिए और ये जो है वो है कॉपर के लिए, सीयू। सो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, फर्स्ट पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एन बी ए ओमेगा, और दोनों ही लूप्स के लिए ये चारों ही वैल्यूज जो है वो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, बी भी सेम है, ए भी सेम है और ओमेगा भी सेम है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेम होगा दोनों ही लूप्स के लिए, हैव सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेकेंड हम बात करते हैं करंट इन द लूप। करंट जो होता है वो होता है, इस करंट को हम आई नॉट कंसिडर कर रहे हैं, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसका मतलब दोनों ही आइडेंटिकल लूप्स है तो लेंथ बराबर हुई, ए बराबर हुई, पर जो मेन चीज डिपेंड करेगी वो है रेजिस्टिविटी, और जो आई है इन करंट प्रोड्यूस इन द टू कॉइल्स वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो एल्यूमिनियम की होती है और रेजिस्टिविटी जो कॉपर की होती है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की वो ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर से। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट कॉपर का वो ज्यादा होगा इंड्यूस्ड करंट एल्यूमिनियम के से। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।